बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कैसे करवाएं पाकिस्तान से। यार ये बहुत इजी काम है को अटेस्ट करवाने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान करें, अल्लाह पाक हम सबको अपनी जमान में रखें। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, शुक्रिया। अगर जहाँ तक अगर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात है, मोस्ट लोग एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं, तो सबसे पहले जहाँ से आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स इशू हुए थे, सबसे पहले आपने वहाँ से उनको अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने इनको अटेस्ट करवाना होता है फॉरन ऑफिस से। उसके बाद अगर आप दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ रहे हैं या यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में कहीं भी आ रहे हैं, तो आप यूएई के एम्बेसी से आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अटेस्ट करवाने का। इसमें आपके शायद 10-15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई आजकल एम्बेसीज करती हैं वो थर्ड पार्टी के थ्रू करती हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तरीका बहुत आसान है। पहले आपने अपने रेलिवेंट जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उसे वेरीफाई करवाना है, अटेस्ट करवाना है, उसके बाद फॉरन ऑफिस से। थर्ड पे आपने जाना है यूएई एम्बेसी। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपने करनी है लाइक शेयर।